हेलो, आई एम करण एंड करंटली ग्रेजुएटिंग फ्रॉम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एंड माय रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ 1211715। तो मैं आज आपको वॉलीबॉल की एक स्किल परफॉर्म करके दिखाऊंगा। तो स्किल परफॉर्म करने से पहले मैं आपको हैंड का वार्म अप करा देता हूँ, मतलब बता देता हूँ। उसके बाद मैं आपको स्किल परफॉर्म करके दिखाऊंगा, फिर उसके बाद कूल डाउन एक्सरसाइज मैं मतलब आपको बताऊंगा। तो पहले वॉलीबॉल की साइड में आप देखें, तो पहले वॉलीबॉल के लिए हैंड के, क्योंकि इसमें पूरा हैंड का इस्तेमाल होता है और लेग का इस्तेमाल होता है, तो हम इसकी पूरी एक्सरसाइज कर लेते हैं, मतलब वार्म अप कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं जो भी चीज़ आपको बताऊंगा वो आपको 10 times करनी है। जैसे ये क्लॉक वाइज करेंगे हम रोटेट, 1 2 3 ऐसे आपने 10 times करना है। तो उसके बाद एंटी क्लॉक कर, एंटी क्लॉक वाइज। उसके बाद हम चेंज करेंगे एक्सरसाइज। अगर हम बेसिक एक्सरसाइज करते रहेंगे तो मोच वगैरह हमारे आने के जो चांसेस होते हैं बहुत कम हो जाते हैं। तो आप इसी प्रकार एक्सरसाइज कीजिए। अब मैं आपको थोड़े लेग की बता देता हूँ। लेग में भी आप पहले ऐसे कर सकते हैं, उसके बाद लेग चिकन चेंज करें। जितने पुशअप करेंगे आपके लिए बेटर ही रहेगा वार्म अप टाइम। तो मैं भी कर लेता हूँ। बेसिक एक्सरसाइज में एक आप वॉलीबॉल के लिए एक मेन एक्सरसाइज होती है, जैसे कि हम जब अटैक करते हैं तो हमें जंप करके मारना पड़ता है। तो उसके लिए एक और वार्म अप है जिसे आप एक्सरसाइज भी कह सकते हैं। उसके लिए आपको नीचे ना और साथ ही में और जैसे आप पीछे कदम ले लीजिए, आपने 3 lines बना सकते हैं, 1 2 यहाँ से आपको जंप करके 1 2। तो साथ ही में अब मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ, जैसे कि कैसे आपको एकदम परफेक्ट तरीके से मारना है। हमें हैंड की पोजीशन क्या रखनी चाहिए कि मतलब कि कैसे हमें हैंड में रखना चाहिए और कैसे हम अटैक और दूसरी तरफ से बच सकते हैं। और तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे हमारा ये हैंड है तो वॉलीबॉल को हमें जैसे हिट करने के लिए, तो पहले आप ऐसे कर सकते हैं, थंब इसको ऊपर रखिए, दूसरा थंब हम इसके ऊपर रख सकते हैं। तो इसीलिए और साथ में जैसे कि मानिए ये है और हम इसको, तो देखिए जैसे कि यहाँ से हम ऐसे हिट कर सकते हैं। तो और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जैसे हम किसी बॉल को, मतलब जैसे जो बॉल वहाँ से आ रही है डिफेंस के लिए हम हिट कर रहे हैं, तो हमें अपने जो हैंड है ये बेंड नहीं रखनी चाहिए। अगर हम बेंड कर देंगे तो बॉल किसी भी पोजीशन में से जा सकती है। जैसे कि अगर वहाँ से कोई बॉल आ रही है तो हम इधर से ये जो ये वाला पोजीशन होता है हमारा हैंड की, इनके ऊपर बॉल आनी चाहिए। तो ये भी आपको करके दिखा देता हूँ। पहले मैं आपको स्किल से प्रैक्टिस करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ अभी मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमें जो हैंड की पोजीशन रखनी है, जैसे कि जैसे बॉल वहाँ से हमें शुरुआत में जब हम अटैक करते हैं तो बॉल को हमें इस तरफ से उछालना है,
उछालने के बाद ये जो हैंड है इधर से टक करें, हमें मारना है। तो हम प्रैक्टिस के लिए, हम एक ही जगह में, अगर आपके पास वॉलीबॉल नहीं है तो एक जगह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले करके भी दिखाया, तो और मैं आपको जैसे कि बता देता हूँ कि हम बॉल अगर आ रही हो तो हम उसे होल्ड कैसे कर सकते हैं। अगर आप इनके ऊपर लेके आएंगे तो आपका जितनी भी वेट होगा वो बिल्कुल स्ट्रेस मतलब कम हो जाएगा, फिर उसके बाद आप पास आराम से दे सकते हैं। ये मैं आपको दिखा दिया। तो फ्रेंड आपको इसी तरह करना है। अब मैं आपको और मतलब कूल डाउन एक्सरसाइज बताता हूँ। कूल डाउन एक्सरसाइज के लिए आपको अपनी जो बॉडी है उसको फिर से मतलब गर्म करना है। जैसे कि आपके पास कोई कारपेट है तो आप उस पर बैठ सकते हैं, जैसे कि ये बैठ के, और इधर से आपको ऐसे ऐसे करना है। आपको हर जो हाथ है, जैसे आपके हैंड वगैरह हैं, यहाँ से लगता है, तो आप इसको ऐसे ऐसे करके कर सकते हैं। आपको दोनों हैंड हैंड कैसे करना है, और साथ में आपको मतलब ऐसे बॉडी पूरी ऐसे ऐसे गर्म करनी है। तो आपको हाथ साथ साथ में चलाना है, एक एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, पूरा वार्म अप गर्म गर्म। आप इसकी गर्दन की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, अटेंड टाइम कर सकते हैं। तो इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड